वेलकम बैक टू राम मोबाइल चैनल। टुडेज अवर टॉपिक इज प्रैक्टिस सेट 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलैरिटी क्लास 10। ओके सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स सो सॉल्यूशन में देखेंगे। मतलब आपके पास टू ट्रायंगल्स है। फर्स्ट ट्रायंगल्स का बेस है 9 एंड हाइट है 5 एज इट इज। सेकंड ट्रायंगल्स का बेस है 10 एंड हाइट है 6। सो नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ओके टू ट्रायंगल्स से मैंने डिनोट किया है बेस 9 हाइट 5। सेकंड ट्रायंगल का बेस 10 एंड हाइट 6। वो सिर्फ पहले जो दिया हुआ है अपने को सब वो सॉल्यूशन में लिखेंगे। जो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन हाइट है AM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज इट इज। सेकंड ट्रायंगल्स का बेस है QR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके नाउ इन ट्रायंगल्स ABC सो ABC में बेस कितना है BC, बेस है BC एंड हाइट कितनी है हाइट है आपके पास AM एज इट इज। सेकंड ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल्स PQR बेस है अपने पास QR ये नीचे वाला, देन हाइट है तो परपेंडिकुलर वहां पे PM। ओके अब ये फर्स्ट ट्रायंगल्स ABC इसको आप A1 भी डिनोट कर सकते हैं, सेकंड ट्रायंगल्स PQR है उसको A2 भी डिनोट कर सकते हो। सो पहले जो अपना फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वो लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQR सो फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट एज इट इज। 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके अब यहां पे सेम 1/2 गेट कैंसिल। अब बेस कितना है आपके पास BC, हाइट कितनी है AM और बेस कितना है QR और सेकंड PQR का हाइट कितनी है अपने पास PM। ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC upon area of triangles PQR equal to BC multiplied by AM and QR multiplied by PM। अब जो first diagram का base है उसको आप B1 भी denote कर सकते हो, second को B2, H1, H2, okay? No problem। So देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसको हम लिखेंगे A1, सेकंड ट्रायंगल से उसको लिखेंगे A2, देन जो फर्स्ट ट्रायंगल की बेस है उसको लिखेंगे B1 एंड सेकंड ट्रायंगल्स का बेस B2 एज इट इज। फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट कितनी है H1 एज इट इज, सेकंड ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट B2 मल्टीपल बाय H2। अब B1 कितना है आपके पास 9, H1 कितना है 5 एज इट इज, सेकंड ट्रायंगल्स में बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 6। सो करो इसका कैलकुलेशन 9 मल्टीपल बाय 5 45, 10 मल्टीपल बाय 6 60। अब 45 एंड 6 को डिवाइडेड करो आप। सो देखो यहाँ पे अभी इसको 15 से आप डिवाइडेड कर सकते हो, 15 4 सा एंड 15 3 सा, सो 3/4 A1 upon A2 equal to 3/4। ओके अब इसका रेशियो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A1 रेशियो A2 equal to 3:4 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। Therefore
द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज 3:4 3:4 यह होगा उसका रेशियो. फाइंड द रेशियो ऑफ इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स. ओके, टू ट्रायंगल्स था, टू ट्रायंगल्स से उसका आपको एरिया फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 1.1. फर्स्ट एंगल का बेस 9 एंड हाइट 5, सेकंड ट्रायंगल्स का बेस 10 एंड हाइट 6. ऐसा क्वेश्चन जब आपको आएगा तो कुछ भी नहीं, सिंपल उसका बेस एंड हाइट लिखो. इन ट्रायंगल्स एबीसी, इन ट्रायंगल्स पीक्यूआर, कौन सा भी ट्रायंगल्स आप उसको डिनोट कर सकते हो, ऐसे कुछ डायग्राम उसके निकाल सकते हो. देन दोनों ट्रायंगल्स में आपको एक फार्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का एलडीटी. सो मैंने बोला है आपको कि 1/2 ऑलवेज कैंसिल होगा. देन बेस एंड हाइट की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो, जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, जो कैलकुलेट होगा कैलकुलेट करो. ओके, सो कैलकुलेट के बाद आपको 3/4 रेशियो मिला ऑफ दिस ट्रायंगल्स का. ओके, सो इट इज सेकंड एग्जांपल. देखो, इन फिगर बीसी परपेंडिकुलर एबी, एडी परपेंडिकुलर टू एबी, बीसी इक्वल टू 4 एंड एडी इक्वल टू 8. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एडीबी. ओके, जो दिया हुआ है बीसी कितना है आपके पास 4 एंड एडी कितना है 8. ओके, सो सॉल्यूशन में आप जो दिया हुआ है आपको लेंथ वो लिख लेंगे, BC equal to 4 and AD equal to 8. BC equal to 4 and AD equal to 8. ये सब गिवन में है आपके पास. ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADB, मतलब क्वेश्चन में ही है कौन से दो ट्रायंगल्स इस डायग्राम में, वो दिया हुआ है आपको, एक फर्स्ट ABC एंड सेकंड ADB. सो फर्स्ट लिया मैंने ABC, सेकंड लेंगे हम ADB, आर सेम बेस, आर सेम बेस, कौन सा AB, AB सेम बेस है बोथ ट्रायंगल्स का. ओके, सेम बेस. सो अपने जो सेकंड कंडीशन थी कि टू ट्रायंगल्स का बेस जब इक्वल्स रहता है देन देयर एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल्स रहता है. सो देखो अभी इसमें लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस, विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो देखो अभी इन ट्रायंगल्स एबीसी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी बेस कितना है, ए बी सी में बेस है अपना ए बी एंड हाइट कितनी है बी सी, बी सी इन ट्रायंगल्स एज इट इज ट्रायंगल है अपने पास ए डी बी, ए डी बी. सो ए डी बी में भी बेस कितना है, बेस आर इक्वल ए बी. Then written as height. Height. Height कितनी है? AD. AD. Okay. अब लिखेंगे हम जो अपना फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि आपके पास टू ट्रायंगल से, फर्स्ट ट्रायंगल से सेकंड ट्रायंगल से दोनों में बेस एंड हाइट आपको लिखना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADB इक्वल 1/2
बेस इनटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इनटू हाइट, ओके 1/2 गेट कैंसिल। सो बेस कितना है आपके पास, ए बी, बेस कितना है ए बी, ए बी एंड हाइट कितनी है बी सी, एज इट इज सेकंड डायग्राम में बी सी सॉरी बेस सेम है ए बी एंड हाइट कितनी ए बी। अब मैंने बोला है कि जब आपको फॉर्मूला रहता है तब वहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, जब वैल्यू साइड पुट अप करने के बाद करना है। तो यहां पे ए बी, ए बी गेट कैंसिल होगा, देन बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 एंड ए डी की कितनी है 8, सो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 जो होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए डी बी इक्वल टू 1/2, ओके ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर बी सी परपेंडिकुलर ए बी, ए डी परपेंडिकुलर ए बी, बी सी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है, फाइंड करना है आपको दिस रेशियो टू ट्राइंगल्स का, ओके सो आपने यहाँ पे वो ट्राइंगल्स का जो बेस है ए बी ए इक्वल है, जब बेस इक्वल्स रहता है देन देखो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ओके अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फॉलोइंग फिगर सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर सेगमेंट पी आर। आपके पास आर क्यू दिया है 6, पी एस 6 है एंड पी आर 12 है, आपको क्यू टी फाइंड करना है, ओके क्यू टी फाइंड करना है आपको। फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन वाला आर क्यू इक्वल टू 6, पी एस इक्वल टू 6 एंड पी आर इक्वल टू 12 गिवन। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, ओके बेस इनटू हाइट। अब इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स पी आर क्यू, इन ट्राइंगल्स पी आर क्यू, अब आपको इन ट्राइंगल्स पी आर क्यू में करना है, इन ट्राइंगल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पी आर क्यू में, ओके सो पी आर क्यू में। सो देखो अभी बेस इनटू हाइट क्या है, पहले फार्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, देखो पी आर क्यू, ओके पी आर क्यू, पी आर क्यू में लिखना है अभी बेस देखो इन ट्राइंगल्स पी आर क्यू 1/2 बेस पी आर क्यू ये ट्राइंगल्स, तो उसमें ये आर क्यू अपना बेस है लेकिन उसको हाइट नहीं है पी आर क्यू को, इसलिए ये सामने बढ़ाकर ये पी एस उसकी हाइट बन गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया, ओके सो आर क्यू मल्टीपल बाय पी एस, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो आर क्यू कितना है आपके पास 6, पी एस कितना है 6, टू से डिवाइडेड करो 3, 3 6 का 3 6 8 यूनिट्स, ओके ये होगा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पी आर क्यू 18 यूनिट्स एज इट इज, आपको उसी ट्राइंगल्स में बेस एंड हाइट अलग लिखनी है। देखो इन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पी आर क्यू इक्वल टू 1/2 बेस, अब
ये PR बेस हो गया उसका, और बेस पर ये बन गई उसकी हाइट, कौन सी, QT. सो PR मल्टीपल बाय QT, सो 1/2. PR कितना है आपके पास, क्वेश्चन में देखो, गिवन में 12 है, QT नहीं होगी क्योंकि QT फाइंड करना है आपको. सो 1/2 मल्टीपल बाय 12, 1/2 मल्टीपल बाय 12. सो उसको डिवाइडेड करो, मतलब ये होगा 6 मल्टीपल बाय QT. अब ऊपर आपके पास पी आर क्यू फाइन हुआ है 18 यूनिट स्क्वेयर है, यहाँ पे 1. सो यहाँ पे लिखेंगे हम 18 फ्रॉम 1 से, ओके. सो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड में, सो 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू QT. 6 से डिवाइडेड करने के बाद QT इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 is 18. QT इक्वल टू 3, QT इक्वल टू 3, ओके. ये था अपना एग्जांपल नंबर 3. इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर थी इसमें आपको, इस फिगर में आपको QT फाइंड करना था, इसलिए फर्स्ट PQR में RQ बेस लिया, PS हाइट ले लिया, ओके. देन सेकंड ट्रायंगल एज इट इज ए PRQ, लेकिन बेस जो लिया है वो ये बेस लिया है PR, और इस पर ये QT वाला परपेंडिकुलर हो गया हाइट, ओके. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करके आपने उसका यूनिट निकाला है, मतलब सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का बेस यूज करके आपने यहाँ पे QT फाइंड किया है. सो QT इक्वल टू 3 हो, ओके. एग्जांपल नंबर थर्ड. सो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4th मैंने इसका मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है आपको समझने के लिए. देखो यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी इज द परपेंडिकुलर ऑन द बेस बीसी, ओके. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड बीसीडी, एबीसी एंड बीसीडी का आपको एरिया फाइंड करना है, एबीसी बीसीडी, ओके. देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी सी डी का बेस आर इक्वल, ओके. क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल्स का एंड पॉइंट जो है अपना वर्टाइसेस का वो सी है, और बी सी डी भी यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए बी सी दोनों ट्रायंगल्स का बेस बी सी आर इक्वल, ओके. बेस आर इक्वल डी सी. द वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी एंड बी सी, द वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी and BCD lies on the line AD and BC. मतलब यहाँ पे जो टू ट्रायंगल्स हैं उसके जो वर्टाइसेस हैं वो AD and BC lines पर है. देखो यहाँ पे ABC ये वर्टाइसेस, यहाँ पे भी टच हो रही है लाइन को, ऊपर भी टच है, एज इट इज BCD ये ट्रायंगल्स यहाँ पे AD को भी टच है और नीचे भी है, इसलिए इन ट्रायंगल्स ABC मतलब द वर्टाइसेस ऑफ ABC एंड BCD lies on the लाइन AD एंड BC, ओके. सो AD पैरेलल BC. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स लाइन इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट. पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है. अब देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BCD की हाइट भी इक्वल है, ABC BCD इस पर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है. सो आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी सी डी, ट्रायंगल्स बी सी डी हैव इक्वल हाइट्स, हैव इक्वल हाइट्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स
ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट, ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट, इक्वल बेस एंड हाइट्स, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट, ओके, इक्वल बेसिस एंड हाइट. सो लिखो फर्स्ट एंगल जो है अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बीसीडी. ओके, अब जो इसका रेशियो है वो कांस्टेंट है, 1/1. सो इसको अब ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी सी डी इक्वल टू 1:1. ओके, एग्जांपल नंबर 4th. ओके, आपको एबीसी एंड बीसीडी का रेशियो फाइंड करना था. एबीसी एंड बीसीडी का फर्स्ट बेस इक्वल है एंड हाइट इक्वल से, द बेस एंड हाइट इक्वल्स रहती है, देन देयर लाइन कांस्टेंट, लाइन का जो डिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है. ओके, इसलिए 1:1 ये है एग्जांपल नंबर 4th. ओके, सो प्लीज स्टूडेंट, आज जितने भी एग्जांपल हो गए उसको सबको आप वॉच करो अच्छे तरह से, एंड अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.